Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. सबसे पहले तो आईटी अवार्ड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है? आईटी अवार्ड्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं नॉमिनी भी हूँ बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए. होप है, एक्साइटमेंट है. हाँ, मेरा बहुत ही आज अलग अवतार है, बट मैं कहना चाहूँगा कि शनिदेव का फेवरेट कलर है ब्लैक एंड ब्लू, तो आज उनका आशीर्वाद ब्लैक मेरे साथ है और कुछ यूनिक स्टाइल आज मैंने पहन रखा है, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये यूनिक स्टाइल के इस यूनिक स्टाइल के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा तैयार हूँ, एकदम रेडी हूँ अपने अवार्ड को लेने के लिए और होप करता हूँ कि अवार्ड मुझे मिल जाए. अच्छा, कलर्स का एक बहुत पॉपुलर शो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिग बॉस. कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं वैसे आप? बिग बॉस मैं डेली देखता हूँ, विच इज़ वेरी नाइस. मैं डेली देखता हूँ इसे. सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर इज विकास गुप्ता, मास्टर माइंड हमारे, और एक ऐश जो कि है एंटरटेनर इस शो के. फाइनली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनली फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आईटी अवार्ड्स देखिए एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हेलो, हां बस एक राधा राधा. हाय भाई, लेफ्ट साइड प्लीज. ये लेफ्ट साइड प्लीज. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, कितनी तैयारी की है यहाँ पे आने के लिए आज? यहाँ पर मैंने बहुत सारी तैयारियाँ की है. मैंने कोट पहना है, अंदर शर्ट पहना है और नीचे पैंट. ओके, पहले बार पिया के बाद ये मतलब पहला अवार्ड शो है, कितना ज़्यादा नया कुछ देखने मिल रहा है? मुझे बहुत सारा नया देखने को मिल रहा है और ये पहली बार है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और मुझे फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टेज देखा है अवार्ड फंक्शन का तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, पहरेदार पिया का सेकंड पार्ट भी आ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? ऑल द बेस्ट फॉर पहरेदार पिया के. खाली बस आता दोघांचा काय ऐकत तू? तीन वेळा नाही बोलला तरी तुम्ही आले पण चली तीन वेळा विचारा नाही दोघांना. Sorry, I will not be able. I just want to thank the team and the technical. दिव्य एंड अपराजिता. बढ़िया, देखना इधर इधर इस तरफ इधर इधर सर, यहाँ पे सामने सामने एकदम सामने यहाँ पे फोटो. एक्सक्यूज मी, इधर 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 सामने. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी.
शाम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैं ही नहीं, इनफैक्ट सारे लोग एक्साइटेड हैं। बहुत सारा डांस होने वाला है अंदर, बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अवार्ड देने वाला हूँ किसी को, ये भी नहीं बता सकता किसको। सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, एक्साइटिंग। अच्छा, अगर आउटफिट की बात करें तो कितनी तैयारी की इस पूरी ब्लू लुक के लिए? इस ब्लू लुक के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरे डिज़ाइनर से मैंने बोला कि मुझे ब्लू चाहिए तो उसने मुझे ब्लू दिया। सो सुगंधा सू दिस स्टाइल दिस थिंग एंड आई एम हैप्पी वेयरिंग दिस। पल चिल्ड्रंस डे आ रहा है, कुछ ऐसी यादें जो शेयर करना चाहेंगे या कुछ ऐसे, अच्छा ऐसे अगर चीज मैं आपसे पूछूं जो एकदम खो चुकी है आजकल बच्चों में, जो मोबाइल में पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई कोई खास एडवाइस जो बाहर जगह? बेसिकली यस, जैसा कि आपने कहा, बहुत राइटली कहा कि मोबाइल्स में बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा खो गए हैं। ट्राई कीजिए कि ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। सोशलाइजिंग सिर्फ फ़ोन पे ही नहीं होती, सो ट्राई एंड मेक फ्रेंड्स, टॉक टू देम, जिनसे आप और ज़्यादा खुलेंगे, दिमाग खुलेगा, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और जल्दी बड़े हो जाएंगे। अच्छा, पल बिग बॉस आ चुका है, बिग बॉस कितना ज़रा फॉलो करते हैं वैसे अगर बात करूँ? हाँ, बिग बॉस थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस, क्योंकि वहाँ पर सारा कुछ रियलिस्टिक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जनरली किसी शो में देखने नहीं मिलती। इन जनरल हम लोग जब कोई शो करते हैं तो बहुत स्क्रिप्ट फॉर्म में होता है, जहाँ पर हमको एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, वहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हम खुद ही होते हैं और हम खुद को ही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी नोकझोंक होती है जो देखने में आई थिंक सबको ही बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बेस्ट प्लेयर कौन लग रहा है वैसे बिग बॉस का? राइट नाउ बेस्ट प्लेयर विकास मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ओके, फाइनली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप बहुत सारा प्यार दीजिए, आपने आज तक भी बहुत सारा प्यार दिया। दासवा मैं यहाँ पे हूँ, मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट दूंगा आपको और बहुत सारे प्यार की उम्मीद रखूँगा आपसे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीदी माँ, पहली बात तो इस अवार्ड शो के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है? हमेशा की तरह इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के लिए हम सब एक्टर्स एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिल जाता है अपने बिजी शेड्यूल से, एंड दर्शक भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि उन्हें सारे सितारे एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। आउटफिट की बात करें तो रिद्धिमा का एक अलग ही अवतार देखने से रेड कार्पेट पे मिल रहा है। रिद्धिमा का अलग अवतार हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन मैं पर्सनली हमेशा एलिगेंस प्रेफर करती हूँ और इसलिए मैंने पल्लवी गोयल क्रिएशन पहना है और ये मेरी फेवरेट डिज़ाइनर हैं, बिकॉज हर क्लोथ्स, हर क्रिएशंस स्टैंड फॉर एलिगेंस और मुझे एलिगेंट और एलिगेंस बहुत पसंद है। तो आई हैव चोजन दिस बिकॉज इट इज़ हॉट एज वेल एज सेक्सी एज वेल एज एलिगेंट। अच्छा, अगर चीटन से की बात करें दिमाग, अगर आज के बच्चों की बात करें, सिर्फ हर गेम सिर्फ मोबाइल पे खेलते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि जो किताबें थी, जो किताबों की आवाज़ थी और जो बाहर फुटबॉल या क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, वो घर पे बैठ के मोबाइल पे बिजी रहने से नहीं आता है। मुझे लगता है कि बच्चे आजकल के रियली मिस कर रहे हैं जो एक्चुअल चाइल्डहुड होता था, जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं रहती थी और लोग बाहर जाके खेलते थे। तो मैं यही आई नो आज पहले की तरह आजकल ग्राउंड्स नहीं हैं, बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं है कि वो ओपन ग्राउंड्स में जाके फुटबॉल खेले, जगह की बहुत कमी है, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि पेरेंट्स मोटिवेट करें कि उनका बच्चा एक आउटडोर गेम ज़रूर खेले। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तो इंडल्ज करें, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं खुद बास्केटबॉल खेलती थी। So I'm you children are really missing out on a lot of fun. घर पे बैठ के वीडियो गेम्स मत खेलिए, बाहर जाइए और थोड़ी सी छलांग लगाइए। अच्छा, बिग बॉस की बात करें, कितना ज़्यादा फॉलो कर रही हैं ये रियलिटी? मैं ऑन एंड ऑफ फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज बिग बॉस फॉर्मेट हमेशा से मुझे बहुत पसंद है एंड मैं बिग बॉस की फ़ैन रही हूँ और हर साल मेरा कोई ना कोई फ्रेंड वहाँ पे होता है। इस बार शिल्पा शिंदे है और जिस तरह के लोग हैं वहाँ पे, आई थिंक बहुत अच्छा तड़का है, बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट हो रहा है एंड आई थिंक बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट ड्रामा। सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। आई विश कॉमनर्स नहीं होते, बिकॉज वो एक अलग ही वो होता है, या तो कॉमनर्स रहे या फिर एक्टर्स रहे। अच्छा, बेस्ट और वर्स्ट प्लेयर की बात करूँ बिग बॉस में, तो कौन बेस्ट लगता है और कौन वर्स्ट? वर्स्ट तो मैं नहीं बोल सकती, कमेंट कर सकती, बट क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ, मैं वर्स्ट तो नहीं कमेंट कर सकती, लेकिन आई थिंक बेस्ट में मुझे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू विकास एंड शिल्पा एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हिना ऑल्सो। हिना इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, तो मज़ा आता है मुझे सबको देखने में। या थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर इवनिंग। और ये अवार्ड वैसे
डालू क्या? अरे पीछे का रुको जरा, मुझसे बैठ के डालो इसे, यार यार डालो इसे, सर एग्जाम सेंटर सही है सेंटर सर आपको राइट साइड अरे पास सामने बोली दाम I'm really excited because this is my first ITA. इससे पहले मैंने सिर्फ स्टार परिवार अवार्ड्स अटेंड किए हैं तो yeah, I'm really excited. This is at a really big platform. सारे शोज आ रहे हैं, सारे चैनल्स, so yes, very excited. Because black is elegant. आपने भी black पहना है, बहुत लोगों ने black पहना है. So yeah, I'm a bit nervous. Anupam ji is standing next to me, so I'm like, well, can you take a picture? Just take a picture. Jaldi, jaldi, jaldi. So really. नॉमिनेशन में हम लोग सब थे, मैं, मेरा को एक्टर, अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉमिनेटेड, बट पता नहीं अवार्ड मिलने वाला है नहीं. स्टार परिवार में मुझे पक्का से पता था कि अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन इधर पता नहीं कि मिलने वाला है नहीं. कि आप अपने फ़ोन के अंदर मत घुसे रहिए, दुनिया को यू शुड ट्राई एंड लिव इन द रियल वर्ल्ड and live outside and always follow your dream. ये parents के लिए भी है कि अपने बच्चों को force मत कीजिए doctor engineer बनने के लिए. मैं भी chartered accountant हूँ पर मैं भी acting कर रही हूँ, so follow your dreams. हाँ हाँ थोड़ा बहुत. I have to support Hina because she's from the television industry, so I am quite loyal like that. Thank you, thank you so much. Right.
टेली मसाला नहीं नहीं ये टेली मसाला सर मैं न्यूज़ नेशन से मैंने किसी का प्रोफाइल नहीं पूछा मैंने खाली बूम देगा हाँ ज़ूम मालूम मुझे हाँ ओके सो ट्रॉफी आते हैं और किस तरह की शाम रही आज कंग्रेचुलेशंस थैंक यू पहली बात तो मैं थोड़ा सा लकी था क्योंकि मैं अंदर एंटर ही कर रहा था और वहाँ पे स्टेज पे विविन डिसना चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा भाई या तो कोई गुनाह कर दिया है इसलिए नाम ले रहे हैं या फिर शायद मुझे अवार्ड मिल गया इसलिए नाम ले रहे हैं तो मैं स्टेज पर पहुँचा एंड आई रिसीव द अवार्ड एंड इट्स द बेस्ट एक्टर पॉपुलर एंड आई एज आई सेड ऑन द स्टेज इट्स डेडिकेटेड टू ऑल माई फैंस गाइज थैंक यू सो मच फॉर वोटिंग यू गाइज डिजर्व इट मोर देन मी मैं अंत तो कंसिडर करता ही एंडिंग अच्छी हो रही है साल की अच्छा साल की नेक्स्ट ईयर और दोनों बहुत पर्सनल हो जाते हो नहीं नहीं आई थिंक गॉड्स बीन काइंड 2017 हैज बीन रॉकिंग एंड ऑल आई एक्सपेक्ट इज 2018 टू कम एंड स्टार्ट विद अ बैंग सो या देखो जिस दिन मेरे बच्चे होंगे ना उनके पास एक भी गैजेट नहीं दिखेगा वो सिर्फ ग्राउंड पे होंगे या फिर वो कहीं दौड़ लगा रहे होंगे बिकॉज ऑल आई वुड लाइक टू से गाइस यू नो स्पेंडिंग टाइम ऑन सेल फोन्स आईपैड्स टीवीज एंड ऑल द गेमिंग सेशंस
will do no good for you. Trust me. You need to run, you need to play, you need to be on the grass, you need to be in the sun for your coming life ahead. Because mujhe pata hai, maine 43 degree Celsius mein football practice kari hai. So main aaj jo feel karta hoon, log bolte hain yaar bahut garmi hai, normal hai. Theek hai. Yaar mujhe bhi garmi lagti, paseena aata hai, but you know, it increases your immunity. So ye jo मैं इसको सिटिंग स्पोर्ट बोलता हूँ, पीपल यूज इट, आई कॉल इट सिटिंग स्पोर्ट. सो गाइस, डोंट गेट इनटू सिटिंग स्पोर्ट, लिफ्ट योरसेल्फ अप, गो टू द फील्ड, ट्रस्ट मी, इट्स मच मोर ऑर्गेनिक एंड इट वर्क्स फॉर यू. राइट में डाउन थैंक यू.
ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मुझे पता है। थैंक यू सो मच मैम। जो एक जादू सा बिखेर देते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से आधा घंटा जाएगा। मोनिका आपके राइट में, मोनिका राइट में, सामने सही आ गए। थैंक यू बोला है कौन करी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अभी वही बोल रही थी कि आई टी एवरी ईयर इज़ लॉट ऑफ फन, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ फन एंड या वेरी एक्साइटेड। वेल दिस इज़ डिज़ाइन बाय शिबानी एंड आई होप आई एम लुकिंग गुड। We have kept it quite simple, though the dress is quite dramatic and the solid color. So no jewelry, no nothing. We try to balance the simplicity with little drama. Monica, Children's Day आ रहा है, आजकल के बच्चे मोबाइल में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आउटडोर? यार हम तो खुद ही हर वक्त फ़ोन पे रहते हैं, हम क्या उनको बेचारों को लेक्चर देंगे या क्या उनको सीख देंगे? अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द लाइफ, ऐसा ही हो गया है कि बिना फ़ोन के कोई काम ही नहीं हो पाता है। सो इट्स लाइक दैट, बट इट्स रियली वेरी बैड, इट्स वेरी बैड फॉर ऑल ऑफ अस एंड आगे जाके तो और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। सो येस आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कट डाउन द अननेसेसरी। हम लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी वक्त बिताते हैं जहाँ हम कट डाउन कर सकते हैं, काम तो नहीं कर सकते लेकिन सोशल मीडिया पर हम जो वक्त गुजारते हैं वो हम कट डाउन करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मोनिका, बिग बॉस का पार्ट रह चुकी है और बिग बॉस 11 आ चुका है, बहुत ज़्यादा धमाल हो रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, कितना ज़्यादा फॉलो कर पा रही है? देखिए मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आई एम अवेयर दैट लॉट ऑफ ड्रामा इज हैपनिंग एंड लॉट ऑफ काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग का आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड देखा था तो स्टार्टिंग में ही झगड़े शुरू, मतलब ऐसा लगता है बस एंटर हुआ, पैर रखा नहीं कि बस आ जाओ मैदान में, चलो कबड्डी खेलते हैं। मतलब स्टेज से अगर बात किया जाए तो शिल्पा और विकास का झगड़ा स्टेज से ही चालू हो गया, तो मोनिका उनके झगड़े को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि स्टेज से ही सलमान के सामने चालू? वेल दैट वाज नीडेड एक्चुअली, वी ऑल वांटेड टू सी दैट, सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत मजा आया वो देख के, क्योंकि हमें भी जानना था कि एक्चुअल में हुआ क्या था, शिल्पा की गलती थी या चैनल की तरफ से था या एक्चुअल में क्या था, तो हम लोगों को मजा आ रहा था वो देख के। अच्छा बेस्ट प्लेयर कौन लग रहा है बिग बॉस का वैसे मोनिका? जैसे मैंने आपको बोला मैं बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट आई थिंक हीना इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ क्वाइट पॉपुलर ऑल्सो, सो या आई थिंक हीना। गहरा स्लीव यार, बहुत ही ज्यादा गहरा, गंदा स्लीव, ज्यादा लाइक।
चंद्रकांता में मैं इंडियन पहन के थोड़ा अलग हट के आना चाहती थी, दैट्स व्हाई आई वोर अ गाउन, ब्लैक गाउन. ब्लैक मुझे बहुत पसंद है, आई थिंक हर ओकेजन में अच्छा लग जाता है. सो या दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग क्रिसम राइट नाउ एंड आई इट्स क्वाइट फिटिंग हियर और नीचे से फ्लोइंग है, सो आई एम लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. नॉमिनेटेड है हम लोग, मैं हूँ, उर्वशी जी नॉमिनेटेड हैं. सो वी जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. चंद्रकांता अच्छा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, एवरेज हो रहा है, बट ऑडियंस आर स्टिल लविंग इट. सो क्वाइट एक्साइटेड एंड इट्स अ वेरी बिग अवार्ड फंक्शन ITA एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, चिल्ड्रन से आ रहा है, जैसे आज के अगर बच्चों की बात करें तो वो सिर्फ आई थिंक मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्स्ट्रा लाइक स्पोर्ट्स, डांस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अदर दैन जस्ट आईपैड में ही घुसे रहना. और इंटेल आजकल जैसे जनरल नॉलेज भी बहुत लेकिन आपसे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दे नो एवरीथिंग आईपैड में, दे गेट टू नो एवरीथिंग. बट यस, डेफिनेटली स्पोर्ट्स एंड टू गेट योर सेल्फ फिट, आई थिंक स्पोर्ट्स, डांस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अगर बिग बॉस की बात करूँ तो रियलिटी शो को कितना ज़्यादा फॉलो करती हूँ? मेरी मम्मी बहुत फॉलो करती है, सो बिकॉज ऑफ हर आई गेट टू वॉच इट. आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. दिस टाइम बिग बॉस इज़ वेरी मच फन, विकास आई नो, सो आई थिंक इट्स बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में बिग बॉस. विकास इज़ रियली प्लेइंग वेल एंड हीना खान इज़ नाइस और या आई थिंक दीज टू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर नीचे, हाँ सर. आपके राइट में, अरे अरे दादा लो राइट 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 अरे ये लोग हैं, अरे आपके राइट में सामने सामने चला करने के लिए हम आए, हम नॉमिनेटेड हैं, ऐसे ही नहीं आए, हम
इतना सच सच के इतने सुंदर बन गया है यार। मतलब आज हम 4:30 बजे से तैयार हो रहे हैं, अभी बहुत हेडेक हो गया सीरियसली, बट दिस इज स्पेशल नाइट बिकॉज वी आर नॉमिनेटेड, ऑल ऑफ अस आर, एंड इट्स अ बिग नाइट यार। आई होप वी टेक ऑल द अवार्ड्स होम। वी विल, व्हाट डू यू विश? जब भी नॉमिनेट होता है वो सारे अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। इस लड़की के लिए मैं 10 और सवाल दूंगी जवाब। इसी साथ मैं और श्रेणु निकलते हैं आप सवाल के। आरू मेरी लुक मुझे दिखाने नहीं दे रहा है, बट आई एम वेयरिंग अ ग्रीन गाउन बाय मनाली जगताप एंड आई फेल लाइक अ लिटिल क्लियोपेट्रा सुबह जब मैं ट्राई कर रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी नाइस अबाउट इट। आई एम वेयरिंग हर ज्वेलरी, शी ऑलवेज नोज व्हाट लुक्स गुड ऑन मी, हेयर मेकअप इज डन बाय माय टीम एंड या एवरीबॉडी इज ओके। कुणाल शुड टॉक अबाउट आवर लुक्स। हां या आई थिंक इन लोगों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। आई हाय मेरे ज़ुल्फ, तुम्हारी ज़ुल्फ़ें बड़ी कमाल लग रही हैं बस। हां शायद, बट आई रियली थिंक दिस बोथ गर्ल्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू। यू कांट टेक योर आईज ऑफ। आई कांट आई हैव नो वर्ड्स लेफ्ट। So why don't you say what you are wearing? So I'm styled by Neha Advik Mahajan today, and I'm wearing a nice gown, red gown, and this is very unlike Gauri Kumari Sharma. So yeah, I get to be Shailu today. अच्छा चेंजेस भी आ रहा है, क्या पैसे देना चाहेंगे? हमारे साथ इससे लेना ये हमारा चिल्ड्रन साहिल है। आउटडोर गेम सबसे ज्यादा आईपैड पे रहता है, तू मेरा काउंट छोड़ दे। मेरे को यही पसंद है और आउटडोर गेम्स में मेरे को क्रिकेट पसंद है और इंडोर गेम्स में मुझे कैरम पसंद है और कैरम में मैं चैंपियन भी हूँ। आज हम आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ट्विटर पढ़ा था सुबह, almost on the verge of crashing, wishing all of us luck for tonight. Humse zyada nervous wo log hain and I'm glad about that, and thank you, this shows the love you all have for us, and thank you, keep Absolutely. Loving us, keep loving us, thank you. Fatafat yaar chalo nomination hai मैम, राइट में राइट लाइट राइट यहाँ पे चलो, एक्सक्यूज मी राइट, चलो चलो चलो, अरे 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 ओंकार इन लोगों का फोटो ही नहीं। आज शाम के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इस बात से एक्साइटेड हूँ दैट कि अपने दोस्तों को फिर से मिलने का मौका मिलेगा, सबके साथ बैठ के फंक्शन देखेंगे। बस एक अलग ही लुक नज़र आ रहा है आज, मतलब गोल्डन अवतार में नज़र आ रही है, क्या क्या सोच के आज मैंने सोचा कि अवार्ड नाइट में मैं खुद ही एक अवार्ड बन के आके खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मैं एक ट्रॉफी से कम थोड़ी ना हूँ। स्टूडेंट्स डे आ रहा है ना, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा करके मोबाइल्स में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आउटडोर गेम को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली बोलना बहुत आसान है पर उस सिचुएशन में रह के करना थोड़ा मुश्किल, बिकॉज हमारा बचपन अलग था ही नहीं मोबाइल। आजकल हम बड़े इतने मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं कि बच्चों को क्या बोलूं, बट आई वुड स्टिल से कि हमारा जो बचपन था वो थोड़ा सा वादियों में खेल के दोस्तों के साथ मारपीट करके हमने बिता लिया, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ योर टाइम, ये टाइम चला जाएगा तो बाद में तो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर और डेस्क जॉब या व्हाटएवर वो तो रहेगा ही जिंदगी भर, तो अभी थोड़ा सा खेल लो। अच्छा बेटा, बिग बॉस के बाद में तो कितना ज़्यादा फॉलो कर रही है वैसे? बिग बॉस देखती हैं आप रियलिटी शो? थोड़ा बहुत फॉलो तो कर रही हूँ इस बार, या काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत लड़ रहे हैं लोग, तो बेस्ट प्लेयर कौन लग रहा है अभी तक जितना आपने देखा है? आई थिंक विकास। Hello, ma'am. Hello, down, down, down. Down.
शाम के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड? तैयारी तो आप देख रही हो यार, मैं फुल तैयारी होकर आई हूँ, तैयार होकर आई हूँ फुल. सो बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इश्बाज इज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट शो एंड ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो नॉमिनेटेड. सो आई एम हियर फॉर इश्बाज एंड आई एम हियर फॉर मोहित. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. आपकी बात ही सुन रहे हैं. आई लाइक टू लिसन टू यार, सुनना अच्छा लगता है मानसी को. किसके बारे में? आज शाम के बारे में. और क्या, आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मानसी शो हैज बीन नॉमिनेटेड, राइट? आपका शो नॉमिनेटेड है, सो आई होप दे विन द शो. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर परफॉर्मेंसेस एंड जस्ट फॉर अ गुड नाइस इवनिंग. लाइक इट्स वन ऑफ द प्रीमियम अवार्ड्स आई गेस आईटीए इंडियन टेलीविजन एकेडमी. सो इट्स एमीज जैसे बाहर होते हैं वैसे हमारे यहां पर. So I hope. See, I think this is the biggest win. Award. You guys win. Yeah, we're looking forward. अगर मानसी को एक compliment देना हो तो क्या देंगे? She's looking awesome. Fantabulous. और ये children से आ रहा है, क्या message देना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो पूरे दिन से mobiles में रहते हैं? हाँ, please ground में जाके थोड़ा खेलो football, shootball, hi रब्बा. और exactly, और बड़े होके फिर आप लोग को लगेगा कि हम बड़े हो गए हैं. उस अब काम करना पड़ेगा, यू नो, लाइक दोस्त थिंग्स, शादी करनी है, काम करना है, हां, देयर अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑन व्हिच बचपना. या खेलो कूदो, डोंट बी ऑन द फोन्स एंड लैपटॉप्स. एंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड, यू नो, गो हाइकिंग, ट्रैकिंग, आउटडोर्स. बेसिकली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंटली भी वो ग्रो करते हैं एंड फिजिकली भी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू प्ले स्पोर्ट्स. फर्स्टली तो थैंक यू कि आप सब इतना प्यार देते हैं हमें. आपके फीडबैक मैं सारे पढ़ती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग ऑल आर सीन्स एंड ऑल. एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इश्बाज यार. Hello, ma'am. Straight, 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 ma'am. We are down here.
राइट में देखना यहाँ से सामने डाउन 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 सॉरी मुझे सवाल नहीं सुना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आई थिंक वी रिसेंटली कम्प्लीटेड 400 एपिसोड्स इश्वास के एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत सारे नॉमिनेशंस हैं, सुरभि हैज़ अ नॉमिनेशन, कुणाल हैज़ अ नॉमिनेशन, आई हैव अ कपल नॉमिनेशंस, माय डिजाइनर, माय फेवरेट कॉस्ट्यूम डिजाइनर शिवानी हैज़ अ नॉमिनेशन एंड इट्स एक्साइटिंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमें प्यार मिलता है ऑडियंस से, जो हफ्ते दर हफ्ते हमारा शो देखते हैं, दैट्स द रियल अवार्ड, सो दिस इज अ बोनस। बिल्कुल नहीं, अंदर गए 5 मिनट वापस आ गए, वी आर वेरी गुड लाइक दैट, थैंक यू। मैं Welcome back to Ordinary Super Presents the 17th. आपके राइट में डाउन डाउन सामने अरे आ जाए मैम पानी सामने Thank you. रवि सामने रवि राइट में यस सेंटर आप एक्साइटेड यार, इट फील्स रियली रियली गुड कि आपको मतलब एज एन इंडस्ट्री यू गेट अ लेजिटिमेट अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन, अ पैट ऑन द बैक, इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग हियर। इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल एट ऑल, आई थिंक पीपल हैव रियली एक्सपेरिमेंटेड विद देयर क्लोथिंग, आई ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स एंड आई थिंक मैं वो एक्सपेरिमेंटल वाले स्पेस में ज़्यादा अच्छा लगता भी नहीं, तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम वेयरिंग दिस। दे ये मेरे डिजाइनर के देने, उनको लगा था कि अ लिटिल बिट ऑफ पॉप विल ऐड टू इट एंड आई एम ग्लैड दैट इट इज वेयरिंग बिकॉज सो जनरली मैं बहुत सेफ प्ले करता हूँ, आई जस्ट गो विद द वाइट्स एंड द ब्लैक्स एंड द ग्रेज एंड द ब्लूज द सॉलिड वंस। सो यार दैट्स अच्छा, खतरों से खेलते खेलते बिग बॉस के हाउस में भी आप जा कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? टेरिफिक टेरिफिक एक्सपीरियंस है यार, मतलब खासकर तब जब आप बहुत सालों से आप कोई सीरियल देख रहे हो या कोई कंटेंट सैंपल कर रहे हो एंड यू गेट टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बी इन दैट स्पेस, फिजिकली बी इन दैट स्पेस, इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा वैसे खतरों के खिलाड़ी बिना साथ आप ऑन थे, क्या लग रहा है कितना अच्छा खेल रही है? हिना और विकास मेरे दो दोस्त हैं उस घर के अंदर और आई एम वेरी प्राउड कि उन लोगों ये दोनों के दोनों इस जर्नी को यहाँ तक लेकर के आ चुके हैं, बहुत ग्रेसफुली खेल रहे हैं, घर वॉलेटाइल घर है और हर किसी की थोड़ी ऊंच नीच होती है, आई एम पर्टिकुलरली वेरी प्राउड ऑफ द वे विकास इज हैंडलिंग इज सिचुएशन विद शिल्पा राइट नाउ बिकॉज मैं खुद को एक काफ़ी काम और कंपोज इंसान समझता हूँ, बट कई बार वो कंपोजर बहुत लेवल से जब चैलेंज होता है तो इंसान कैसे रिएक्ट करता है, दैट डिफाइंस him as a human being. So Vikas is doing a very good job. अच्छा रवि, बात करें तो आजकल के 22 में सबसे ज़्यादा रहता है आउटडोर गेम के लेके, आपको कोई मैसेज?
यार मैं खुद अपनी लाइफ से मोबाइल को जितना हो सके उतना एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक इवन आई एम अ फ़ोन एडिक्ट. सो वो और वो इतना प्रोडक्टिव टाइम खाता है ना फ़ोन. ये मैं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि और मैं आई वुड लाइक टू टेल दिस टू द पेरेंट्स ऑल्सो. लाइक जनरली जो स्मोकर्स जो एडिक्ट्स बन जाते हैं वो अपनी अगली जनरेशन को हमेशा बताते हैं कि इससे जितना हो सके उतना दूर रहो और जितना कम इसका इस्तेमाल कर सको उतना बेहतर है. ट्राई एंड बी विद द पीपल दैट यू लाइक. ट्राई एंड एन्जॉय देयर स्पेस. ट्राई एंड प्ले मोर गेम्स वीडियो गेम्स. बी विद फ्रेंड्स. ये फ़ोन जो है ना उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ है और एक डिस्ट्रक्टिव यूज़ है. डिस्ट्रक्टिव ना करें इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें. मैं भी कई दफ़ा डिस्ट्रक्टिव करने लग जाता हूँ यूज़. थैंक यू. देखो मेरे कपड़ों को देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ.
एक एक्टर के लिए अवार्ड उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना के लिए हम सबके लिए रोज़ की खाना और पीना और सोना ज़रूरी होता है। तो हाँ, अगर अवार्ड्स ना हो तो आगे बढ़ने का प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? हाँ, खुशी होती है जब नॉमिनेशन मिलता है, क्योंकि ये जो हमारी टेलीविज़न की दुनिया है ये बहुत बड़ी है, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे हैं, उन बहुत सारों में से 5 नॉमिनेट होते हैं और 5 में से अगर एक आपका नाम हो तो ऑब्वियसली खुशी होती है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, ये मैंने अभी अभी ख़रीदी है, नई है मेरे कलेक्शन में। और जब मेरी नोजपिन के कलेक्शन में एक नया कुछ एडिशन आता है तो जब तक मैं उसे ना पहनूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता, तो नोजपिन को दिमाग में रख के आज मैंने ये पहना है। अच्छा, कामया, बिग बॉस को कितना ज़्यादा फॉलो करी, क्योंकि आप एक्स बिग बॉस में रह चुकी है। मैं बिग बॉस को उतना ही फॉलो करती हूँ जितना 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 एक एक्टर अवार्ड्स को फॉलो करता है। वाह, क्या लाइन है। अच्छा, कौन लग रहा है सबसे अच्छा गेम प्ले करना है बिग बॉस में? गेम तो बिग बॉस ही खेलते हैं, देखो ना, वही दिखा रहे हैं उसी, मतलब यही कहूँगी कि गेम तो बिग बॉस ही खेलते हैं, लेकिन अदरवाइज घर के अंदर गंदगी कर रही हैं शिल्पा शिंदे हद से ज़्यादा। इतने सालों से बिग बॉस चले आ रहा है, ये जो हद है वो कभी किसी ने पार नहीं की थी। इसे एंटरटेनमेंट नहीं कहा जाएगा, इसे बुलिंग कहा जाएगा। सो वो बुली कर रही है और बहुत बहुत गंदगी कर रही है, और शायद बाहर वालों को ये नहीं पता हुआ होगा कि क्या हुआ था, वो जो भी कंट्रोवर्सी थी वो क्या होता, लेकिन टेलीविज़न के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वो कंट्रोवर्सी, वो कहानी क्या थी और उसमें कौन सही है कौन गलत है। तो शिंदे जी बाहर भी आएंगी और फिर वो काम भी ढूंढेंगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वेडिंग बुलाओ, सामने राहुल, राइट राइट मैम, डाउन मैम, राइट में जोरदार, राइट वरुण सर रहा है यहाँ पे, नाम नाम सर सर चेयर पे सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है आज। थैंक यू थैंक यू राइट अभी राइट जाके।